इलाहाबाद की मधु की शादी होती है रामगढ़ के आनंद से। नेचर से कामचोर मधु के सामने जब पूरे ससुराल की जिम्मेदारी पड़ती है तो कैसे वो उससे बचने के लिए करती है एक नाटक, चलिए देखते हैं। अरे मधु, मधुरानी जरा चाय ला और बेसन घोल ले, बादल बन गए हैं, पकौड़ी बना लेते हैं। ओह, अभी अभी तो दिन का खाना खाया है, अब पकौड़ी तल दूं? अरे इतना खाएंगी तो फट जाएंगी, चला तो जाता नहीं इनसे। तभी आनंद आ जाता है। अरे मन कर रहा है पकौड़े खाने का, मधु देखो ना बादल बन गए हैं, ऐसे में पकौड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे अभी तो बादल बने हैं, जरा दो चार बूंद टपक तो जाने दो, बना दूंगी पकौड़े भी। ये बोलकर मधु वहां से चली जाती है। अरे मधु, मधु बूंदे भी बरस गई, अब तो बना दो पकौड़े। अरे बूंदा बूंदी तो रोज होती है, जरा जमकर बरसे तो पकौड़े तलने में और सिखाने में दोनों में मजा आ जाए। ये बोलकर मधु वहां से चली जाती है और मधु के साथ ही बूंदा बांधी कर बादल भी चले जाते हैं। मधु अपने कमरे में जाकर कहती है, अरे भगवान, ये सारा कमरा फैला हुआ है, कैसे साफ होगा। तभी मधु को आइडिया आता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, मेरा 2000 रुपए का नोट कहाँ चला गया? किसी ने देखा क्या मेरा 2000 का नोट? तभी वहां मधु की ननद और नौकरानी आ जाती है। अरे भाभी, मैं देख देती हूँ। कैसे देखोगी दीदी, सारा कमरा तो गंदा पड़ा है। अरे हटो ना, मैं साफ किए देती हूँ, मिल गया तो दे दूंगी। अब ननद और नौकरानी 2000 नोट के चक्कर में पूरा कमरा साफ कर देती है। और नोट नोट खोया हो तब तो मिले। खैर, ये तो छोटे मोटे ट्रिक्स थे जो मधु काम से बचने के लिए करती। लेकिन अब आना था मधु का मास्टर स्ट्रोक, जिसपे वो अब सिर्फ बैठकर खाने के चक्कर में थी, और वो भी सास को ऑर्डर दे देकर। कैसे, चलिए देखते हैं। एक फ्रेम में एक फोटो है जिसमें सास की सास यानी कि मधु की दादी सास मोटी बिंदी, काला मोटा चश्मा, कॉटन की साड़ी और चेहरे पर रौब। वहां उसी फोटो के नीचे घाट पर बैठी मधु और मधु का गेटअप बिल्कुल वैसा ही था। मधु दादी सास की भूमिका में कहती है, अरे चंदावती, चंदा रानी, जरा चाय दे मलाई मार कर। मधु की सास यानी कि चंदावती कहती है, अरे इस नाम से तो सिर्फ मुझे मेरी सास बुलाया करती थी, ये कौन है देखू तो जरा। अब सास मधु को अपने सामने अपनी सास की भूमिका में देखकर जोर जोर से हंसती है। मधु रानी, कोई तमाशा चल रहा है या ड्रामा? जा जा जाकर चाय लेकर आ। मधु जो कि ये दिखा रही थी कि वो सास की सास है या फिर उसकी आत्मा उसमें आ गई है, वो क्या करती है? चाय और मैं, वो भी तेरे लिए चंदावती। यही सिखाया है तेरी माँ ने। यार एक तो डायलॉग बदल बहू, तू सास बनकर जो माँ पर सीधे चली आती हो, ये ओल्ड फैशन हो गया है, जरा अपडेट हो जा। और वैसे तू कुछ भी बन, उसके पहले चाय लेकर आ। अभी सास कुछ बोलती कि वहां मधुर के ससुर आ जाते हैं। वो मधु को देखते ही पागल सा हो जाते हैं। माँ, मेरी माँ, माँ तू वापस आ गई। अरे धत तेरी की, अभी एक का नाटक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया। अरे हद है तेरी, जबान तो चलती ही जा रही है, सामने मेरी माँ बैठी है। अरे इनका चेहरा देखने को तरस गया था मैं, मेरी माँ वापस आ गई। ये देख, मेरी माँ आ गई, ये नहीं कि देसी घी के लड्डू बनाए, बस जबान चला रही हो। अरे जाने थे धनकलाल, इसे तो शुरू से ही बोलने की तमीज नहीं है, मेरी तो आदत हो गई है दब दब कर रहने की। नहीं नहीं माँ, ऐसे कैसे, ये सब करेगी। अच्छा मैं दुकान जा रहा हूँ, शाम को तेरी पसंदीदा गर्मा गर्म जलेबी और समोसे लेकर आऊंगा माँ। ससुर वहां से चले जाते हैं। अब बेचारी सास
अपनी ही बहू के नाटक में फंसकर सारा दिन सारी रात काम करती, लेकिन कब तक, एक दिन की बात है। बेटा आनंद, मेरे तो हाथ पैर सब दर्द हो रहे हैं, मुझसे नहीं होता इस उम्र में इतना काम। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है, वैसे भी माँ दादी को तो मरे अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, फिर मधु कैसे दादी हो सकती है। अरे वही तो बेटा, मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं दादी मधु के रूप में तो पैदा नहीं हो गई, मतलब ना ये सारा नाटक है बेटा, लेकिन अब जल्द से ये नाटक बंद करा दे तू। ठीक है माँ, लेकिन अब मधु को मधु की जुबान में ही सिखाना होगा। दोनों माँ बेटा कुछ बात करते हैं और अगले दिन सास मधु का बड़ा सा सोने का हार गले में डालकर घूम रही होती है। मधु जैसे ही अपना हार सास के गले में देखती है परेशान हो जाती है। अरे अरे ये क्या, ये हार तो तू अपनी बहू को दे चुकी थी। नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, आप ही ने तो कहा था कि जब तक आप जिंदा है ये मैं ही रखूं, अब आप तो जिंदा ही हैं, तो ये हार मैं उसे कैसे दे सकती हूँ। अरे लेकिन, तभी वहाँ आनंद आ जाता है। दादी दादी, मैं आपके लिए भैंस लेकर आया हूँ, बाहर खड़ी है, जरा अच्छे से नहलाकर उसके गोबर से आंगन लीप देना और गोबर के कंडे बनाकर सुखाने डाल देना, और हाँ जरा ताजा ताजा दूध भी निकाल देना दादी। और फिर माँ बेटे हंसने लगते हैं। मधु सोच में पड़ जाती है। भैंस? नहीं नहीं, इतनी बड़ी भैंस की मैं सेवा करूं? ना बाबा बना, मैं तो बहू बनकर घर वालों की ही सेवा कर लूं, उतना ही बहुत है। माँ जी नहीं नहीं। अरे अरे क्या हुआ बहू, तुम वापस आ गई क्या, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ हाँ, सब याद आ गया, पूरा पूरा याद आ गया। अब सास चैन से खाट पर बैठती है और जोर से कहती है, सब याद आ गया ना, तो चल जा चाय लेकर आ, और वो भी मलाई मार कर।